लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अच्छा बाबूजी, अरे अब फिर अच्छे हो गए? क्यों, मुझे फिर ठीक देखकर तुम्हें फिर तकलीफ हुई? अरे ये ताला किसने खोला है और पूजा कहाँ है? अपनी सहेलियों से मिलने गई। तुम पूजा को छोड़ो या मेरे पास बैठो, आज मैं तुमसे कुछ गंभीर बात कहना चाहता हूँ। अब और क्या गंभीर बात करना चाहते हैं? बेटी को तो भगा दिया, लौट कर आने दो उसे, डंडा लेकर बैठती हूँ। आज उसके पाँव नहीं तोड़े तो मैं भी उसकी माँ नहीं। आखिर इतना जुल्म क्यों गुड्डो? जब बेटी अपनी है तो उसकी पसंद अपनी क्यों नहीं? मुझे तो सूरज में कोई अवगुण नजर नहीं आता। वो पढ़ा लिखा है, अच्छे खानदान से, नेक है, शरीफ है, आखिर क्या खोट है उसमें? खोट इतना ही है कि वो उस बिमला का बेटा है। भगवान ने चाहा तब सब शुभ ही शुभ होगा। आज पिताजी ने हिचकी का बहाना बनाकर ना ही सिर्फ मुझे ताले से छुड़वाया बल्कि ये भी कहा कि वो माँ को मनाकर जल्द से जल्द हम दोनों की शादी करा देंगे। ये इतना आसान नहीं पूजा, तुम जानती हो मेरी और तुम्हारी माँ ये कभी नहीं होने देगी। लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया है कि अगर हमारे साथ कोई जबरदस्ती हुई तो हम घर छोड़कर भाग जाएंगे। बुरी बात। अरे अमर साहब आप? हाँ मैं। किले का काम पूरा हुआ नहीं तो पास ही गेस्ट हाउस में रहता हूँ। लेकिन आप दोनों ये घर से भाग जाने की बात क्यों कर रहे हैं? अब देखिए ना अमर साहब, हम शादी करना चाहते हैं, हम राजी, हमारे बाप राजी, लेकिन हमारी माए तो रास्ते का रोड़ा बनी हुई है। अरे तो इसमें घर से भाग जाने की क्या बात है? जो नहीं समझते उनको समझाना चाहिए। घर बार माँ बाप को छोड़कर भाग जाने से अगर प्यार करने वालों की तकदीरें बन सकती हैं तो फिर माँ बाप के आशीर्वाद और शादी ब्याह की जरूरत क्या है? जिस तरह तुम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो उसी तरह तुम्हारा प्यार तुम्हारे माँ बाप के आशीर्वाद के बिना अधूरा है। पूजा तुम्हारी माँ से हम बात करेंगे, चलो। अरे आप नहीं जानते अमर साहब, मेरी माँ तो बहुत कड़क है, अभी भी बैठी होगी दरवाजे पे डंडा लेके मेरे इंतजार में। अच्छा तो ये बात है। चलो भाई सूरज, ये भी देखते हैं कि इंस्पेक्टर अमर की छोटी बहन पर उसकी माँ कितना रोब झाड़ती। इंस्पेक्टर? यस। गुड्डो ये डंडा तो फेंक दो। नहीं फेंकूंगी। इतने बड़े डंडे से मारोगी क्या बिचारी को? चुप। गुड्डो अब गुस्सा थूक भी दो। नहीं थूकूंगी, आज तो मेरी खैर नहीं। देखो मैंने कहा था ना माँ के हाथ में डंडा है, कई काम से। अरे तो डरती क्यों हो तुम? चलो मैं आ रहा हूँ। चलो मैं आ रहा हूँ, मैंने तुमसे कहा ना डरो मत। चलो आ गई कुल का नाम रोशन करके। जी भर गए तेरा उस माटी मिले के गले लग के। पर मैंने क्या किया है माँ? अभी बताती, बाप के शह पे उड़ती फिरती रहती है। आज तेरी हड्डी पसली नहीं तोड़ी ना तो मेरा नाम भी बाबूजी जा रही है। तू बाबूजी कहाँ जाएगी तू? अरे घुटो। अरे आज तो सही बच्चा है तू, खैर तो सही आज। बाबूजी बाबूजी क्या हो रहा है आप? मैं कुछ भी करूँ तुम्हें इसे मतलब? ये मेरी बेटी है, तुम रोकने वाले कौन होते हो? मैं रोकने वाला कौन होता हूँ? अरे मैं वो हूँ जो तुझे डंडे पड़वा सकता हूँ, जेल भिजवा सकता हूँ और चक्की भी पिसवा सकता हूँ, समझी? मैं हूँ सीआईडी इंस्पेक्टर अमर। हाँ क्या? और जो तेरी बेटी ने तेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी ना, वो आज मैंने अपने कानों से सुनी है और अपनी आंखों से देखी है। चल थाने। यानी तुम पुलिस वाले हो? तो और क्या, चने बेचने वाला हूँ? तुम मुझे थाने लेके जाओगे? हाँ। अरे सुन रहे हो पूजा के बापू? अरे हाँ हाँ सुन रहा हूँ भगवान। तो हुजूर आपको भी पता चल गया कि इसने दो दिन तक पूजा बिटिया को बिना दाना पानी दिए ताले में बंद रखा, इसे रुलाया तड़पाया। हाँ देख रहा है मुझे इतना बड़ा डंडा सबूत के तौर पे। चाल थाने के अंदर। दुआ है इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ कर दो, मैं नरक में जाऊंगी अगर अपनी फूल जैसी बेटी को फिर से मैंने सताया तो। मैं इनकी कसम खा के कहती हूँ मैं अब कभी नहीं सताऊंगी। अरे तुम भी कुछ बोलो ना। हाँ इंस्पेक्टर साहब इस बार इसे माफ कर दीजिए, ये अब पूजा बिटिया से कुछ नहीं कहेंगी। ठीक है चौधरी साहब, मैं आपकी जमानत पर इन्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन आइंदा मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए। और मैंने ये भी सुना है कि पूजा को कोई चार पांच गांव के बदमाश छेड़ते रहते हैं, उन्हें तो कल मैं देख लूंगा। और चौधराइन आज के बाद अगर तूने इसे तंग किया या इसकी आंखों में आंसू आए
तो मैं तुझे जेल में डाल दूंगा। कहाँ डाल दूंगा? जेल में। 3 साल तक चक्की पिसवाऊंगा। क्या पिसवाऊंगा? चक्की। हाँ, अब मैं जा रहा हूँ। और ये डंडा इसको मत देना। चल गुड्डो, अब तो तुमने मेरी कसम खा ली। ब्यूटीफुल, मार्वेलस, सिंपली वंडरफुल। क्या गिटपिट लगा रखी है? ये गिटपिट नहीं, अंग्रेजी है मैडम, अंग्रेजी। या? मुझ जैसे ग्रेजुएट से शादी करनी है तो अंग्रेजी और सीखनी पड़ेगी। ये जो तुम रटती रहती हो ना, CAT CAT, RAT RAT, इससे काम नहीं चलने वाला। जानती हूँ, इससे काम नहीं चलने वाला। इसीलिए मैंने और भी अंग्रेजी सीख रखी है। CAT CAT, RAT RAT ही नहीं, मुझे HT HAT भी आता है। वाह 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 वाह, इतनी तरक्की की है अंग्रेजी में कि तबीयत खुश हो गई। तुम्हारी अंग्रेजी पर तो पूरे इंग्लैंड में आग लग जाए। कम या पूजा, मैं सोच रहा था कि तुम अगर सचमुच की मैम होती तो छोटे बाल, काली हैट, लंबे लंबे गाउन और हाथों में काले दस्ताने। फिर मेरे दरवाजे पे पुलिस। तुम लोग यहीं ठहरो। राम राम इंस्पेक्टर साहब, आप काहे को तकलीफ की यहाँ आने की? अब तो यहाँ बिल्कुल सब ठीक ठाक है। आजकल तो मैंने पूजा बिटिया को फूल से भी मारना छोड़ दिया है। कसम भगवान की, आजकल सब जगह यानी मेला वेला, बाजार बाजार, पनघट वनघट, सब जगह मैं पूजा बिटिया को ही भेजती हूँ। देखिए ना, देखिए, इस वक्त भी वो घर में नहीं है, अपनी सहेलियों के साथ घूम रही है। अब तो मेरे लिए हथकड़िया नहीं है ना। ये क्या अनाप शनाप बोल रही हो मौसी? मैं इस घर में हथकड़ी नहीं, रिश्ता लेकर आया हूँ। तुमने मुझे पहचाना नहीं मौसी? नहीं। अरे मैं बलरामपुर के जगह चौधरी का बड़ा लड़का विजय प्रताप चौधरी हूँ। अरे तो ये तू है? हाँ मौसी, प्रणाम। जियो बेटे। तो फिर ये वर्दी? पुलिस की। अच्छा, तू पुलिस में है? हाँ। तू पुलिस में है? हाँ मौसी। आओ अंदर आओ बेटा। नहीं नहीं, बाहर ही बैठते हैं। जरा गांव वालों को भी देखने दो कि चौधरायन के घर बड़ा पुलिस अफसर आया है। बैठो बेटे। तू मेरे घर पूजा का रिश्ता लेकर आई थी मौसी। हाँ। लेकिन मैं तुमसे मिल ना सका, ट्रेनिंग पर था ना। हाँ। लौट कर आया तो पता चला कि तुम पूजा की फोटो छोड़ कर आई। पूजा तो लाखों में एक है। माँ ने पूछा है मौसी कि मुहूर्त कब का निकलवा रही हो। अरे बस समझ ले, मुहूर्त निकल ही गया। मुझे तो इसी दिन का इंतजार था। और सोने पे सुहागा तो ये है कि तू भी इंस्पेक्टर निकला। लो, कर दी ना छोटी बात तूने। अरे तेरा प्रताप तो सीधा ASP बना है। हाँ? और ये इंस्पेक्टर तो उसके आगे बहुत छोटे होते हैं मौसी। अच्छा, तो तू इंस्पेक्टर से भी बड़ा है। अरे वाह, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ माँ, आज तो मेरी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकती। आज कुदरत के रंग देख के मैं दंग रह गई। धुंध की एक हल्की सी चादर फैली थी और उसके नीचे आसमान और जमीन का मिलन हो रहा था। आज पहली बार माँ मैंने सपनों का सतरंगी इंद्रधनुष देखा जो मेरे सासों को छू रहा था। कभी आ रहा था तो कभी जा रहा था। जा, माँ, 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 खोल दो माँ, पड़े रहे अंदर। माँ, माँ, मुझे क्यों बंद कर दिया माँ? आज से तेरी एक नहीं चलने वाली। आज से तेरी मनमानी बंद। उस जंगली से मिलना जुलना बंद। आज से जो मैं चाहूंगी वही होगा। पर माँ, वो इंस्पेक्टर को पता चला ना कि तूने मुझे फिर से ताले में बंद करके रखा है तो तुझे हथकड़ी लगा के चक्की पिसवाएगा। अरे बहुत देखे तेरे उस दो कौड़ी के इंस्पेक्टर जैसे। आज तुझे पता है कौन आया था? विजय प्रताप चौधरी, मेरे गाँव का। अब वो पुलिस में बहुत बड़ा अफसर बन गया है। उसके नीचे ऐसे 36 इंस्पेक्टर सांस रोके खड़े रहते हैं। सुबह शाम उसे सलामी ठोकते हैं। अब तू देख आगे आगे होता है क्या। Thank you.
नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ। कोई जरूरत नहीं इन चलती सलाखों से इसकी आंखें फोड़ने की। अभी तो इन आंखों ने बहुत कुछ देखना है। ये रही इसकी जबान, इसकी छोटी बहन शहर छोड़ के भाग रही थी। कसम है दीवान को अपनी दीवानगी की, जिसने आज तक अपनी गद्दी नहीं छोड़ी तो इसे कैसे छोड़ देता। चल दे मुझे भैया। अरे छोड़ देंगे छोड़ देंगे, इतनी जल्दी क्या। भैया देख देख मेरा, अब तू तो क्या तेरा बाप भी बताएगा। प्रिंस मेरी बहन को छोड़ दे। मेरी बहन को छोड़ दे, मेरे हाथ तो खोल। तेरे हाथ भी खोल दूंगा आज मेरा, लेकिन उससे पहले अपनी आंखें खोल के देख कि तेरी बहन की जवानी में कितना फर्क। मेरी बहन को छोड़ दे कभी ना। मेरी बहन को छोड़ दे, मैं कहता हूँ मेरी बहन को छोड़ दे। मैं सब कुछ बताने को तैयार हूं। कहो। पर मेरी एक शर्त है, पहले मेरी बहन को किले के दरवाजे से सही सलामत बाहर जाने दिया जाए। गार्ड्स, हम बोल रहे हैं एक लड़की किले से बाहर जाएगी, उसे जाने दिया जाए, उसे जाने दिया जाए। आओ जी आओ, प्रिंस ने तुम्हारे लिए फोन किया था। ठंडी हवा की तरह आई थी, गर्म हवा की तरह निकल जाओ। हमने वादा पूरा किया, अब कहो। मैं अपनी बहन की शादी एक रईस घराने में कराना चाहता था, उसके लिए मुझे 15 लाख रुपए चाहिए थे। कहानी नहीं, मजबूरी भी नहीं, सिर्फ इतना बताओ कि कोर्ट किसको भेजा। अली बाग वाले जिमी को। अरे तू मेरी बात सुन, नखरे मत कर, सीधी होके चल चल चल। अपने भाई की दगाबाजी का इनाम लिए बिना जाना चाहती हो? लो जी, आपने कहा था इसे जाने दो, मैं इस जुम्बिश को फिर ले आया हूँ परमानेंट। दगाबाज हो, मुझे आजाद करके फिर पकड़वा लिया। तो आजाद कर देते हैं तुम्हें। ये चमक कैसी? ये तो बिजली चमक रही है प्रिंस। नहीं, कोई हम पर बिजली चमका रहा है। अपने दुश्मन की आहट को अच्छी तरह से पहचानते हैं हम। कोई दुश्मन किले में घुस आया है, ढूंढो उसे। गो। कोई नहीं जी, शेर सिंह के होते हुए किले में कोई एंटर हो ही नहीं सकता परमानेंट। ये तो बिजली की चमक थी, प्रिंस को शायद वहम हो गया। आओ चले अगले ब्रिज तक देखते हैं शेर सिंह, चलो आगे। चलिए आगे।
ये तूफान, ये बिजली, धरती पर जब भी सच्चे प्यार को मिटाने की कोशिश की गई है, ऐसे ही तूफान और जलजले आए हैं। ये तूफान और ये जलजले सिर्फ एक रात के मेहमान होते हैं। ये वो तूफान नहीं जो सुबह होने पर अपना दम तोड़ दे। सुबह होने पर ये तूफान और भी तेज हो जाएगा। माँ, आने दे बाबूजी को। मैं ना ही सिर्फ उनसे ये ताला तोड़वाऊंगी, पर कल के कल उन्हीं के आशीर्वाद से सूरज के साथ शादी भी रचाऊंगी। हेलो, हेलो मौसी, मैं विजय बोल रहा हूँ। कौन बेटा? विजय प्रताप? हाँ मौसी। अरे तुम्हारा फोन क्या आया, मेरी तो जान में जान आ गई। कोई परेशानी है क्या? हाँ बेटा, बस कुछ ऐसा ही समझ लो। अब सुनो, इससे पहले कि सर से पानी ऊंचा हो जाए, मैं तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंप देना चाहती हूँ। पूजा को? हाँ पूजा बेटी को। तुम अभी के अभी यहाँ जाओ। हाँ हाँ इसी वक्त, हम आज ही रात पूजा को लेकर यहाँ से रवाना हो जाएंगे और शादी की सारी तैयारियाँ करके फिर पूजा के बापू को वही बुला लेंगे। हाँ जल्दी। नहीं माँ, मैं तो ऐसा नहीं कर सकती। तो इतनी कठोर कैसे हो सकती है माँ कि अपनी बेटी की मुस्कान नीलाम कर दे, अपनी बेटी की प्यार की अर्थी मत उठने दे, मत उठने दे माँ। जिसे तू अपना प्यार समझ रही है ना, वो तेरी बर्बादी है, और जिसे तू मेरी जिद समझ रही है वही तेरी भलाई है, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ। जरा सोच के देख पूजा, कहाँ विजय प्रताप और कहाँ है तेरा ये सूरज? विजय अच्छे खानदान का है, उसके पास बड़ा घर है, जमीन जायदाद क्या नहीं है उसके पास, पुलिस में बड़ा अफसर है। विजय जैसा सुंदर, गुणी और नेक लड़का तुझे 10 जन्म में नहीं मिलने वाला। और पूजा तेरे विजय प्रताप की 100 जन्मों तक नहीं होने वाली। मैं सिर्फ सूरज की अमानत हूँ और उसी के साथ पवित्र अग्नि के फेरे लेकर होंगी। तो फिर मेरी बात भी पत्थर की लकीर है, मेरे जीते जी उस बिमला के बेटे की बारात इस दरवाजे पर कभी नहीं आएगी। सूरज की बारात इस दरवाजे तक नहीं आ सकती, पर तेरी बेटी की डोली तो इस दरवाजे से जा सकती है ना। अब देख माँ, मैं क्या करती हूँ, अपने सूरज के नाम का सिंदूर अपने मांग में भरकर तेरे लिए पराई हो जाऊंगी। पूजा, ये क्या किया तूने? कुंवारी होकर अपनी मांग में सिंदूर डाला, हमारे खानदान की इज्जत पर। पूजा, पूजा दरवाजा खोल, पूजा, पूजा दरवाजा खोल, मैं कहती हूँ दरवाजा खोल। पूजा जी, दरवाजा खोल कर मैं अपनी किस्मत का दरवाजा नहीं बंद करना चाहती माँ, मैं संसार बसाने जा रही हूँ। हाँ ये अफसोस मुझे जरूर रहेगा, किस घर के रस्मों का घूंघट ढाके बिना मैं यहाँ से विदाई ले रही हूँ। नहीं तेरे हाथों से शादी का जोड़ा पहना, नहीं शगुन के गीत गाए गए, नहीं तेरे गले से लगकर मैं जी भर के रो सकी, और ना ही सके सहेलियां मुझे डोली तक पहुंचाने आई। आज तो मैं खुद ही दुल्हन हूँ, खुद ही डोली हूँ, खुद ही शहनाई हूँ, और खुद ही अपनी विदाई ले रही हूँ। रुक जा पूजा, इस तरह घर छोड़ के मत जा। इस घर की चौखट तेरी लक्ष्मण रेखा है, इसे मत लांग बेटी। जिद की आग में अपने आप को मत छोक पूजा, और न बर्बादियों के अंधेरों में खो जाएगी। ओफो, आज तो आसमान टूट के रहेगा, लगता है कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तू यहाँ और इस वक्त? अपनी माँ से बगावत करके, लोकलाज को तज के, तुम्हारी बेटी के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरकर आज इस चौखट पे आई हूँ। अब इस चौखट को छोड़ के और कहाँ जाऊँ? कहीं भी जा, किसी रेल की पटरी पे जाके लेट जा, किसी कुएं की दीवार पे चढ़ जा, और अगर मरना नहीं चाहती तो जाके किसी और का दरवाजा खटखटा, यहाँ तुझे कोई नहीं रखने वाला। हाँ ये उसे कहने दे माँ, जो मेरे सिंदूर का स्वामी है, जो मेरे जीवन का विधाता है, मैं उसके मुँह से सुनना चाहती हूँ, उस सूरत से जिसने सपने में भी अपनी पूजा को अपने से अलग नहीं किया। मुझे उससे पूछना है कि उसका फैसला क्या है।
क्या उसकी पूजा अपने आंचल में आंसुओं के अंगार लेके उसकी चौखट से लौट जाए? क्या अपने सूरज के नाम का सिंदूर उसके जीते जी अपनी मांग से मिटा डाले? तेरे सर पे शैतान सवार है, अपने आपे में नहीं है तू। अपने अरमानों की राख अपनी मांग में भरकर अगर तुझे सिंदूर का भरम हो रहा है ना, तो जाके धो डाल इसे किसी गंदे नाले में। लेकिन अगर इसके साथ मेरे बेटे का नाम जोड़ा है ना, तो मैं तेरा मुंह चिरसूंगी कमीनी। माँ, ये क्या कह रही हो? क्यों जली कटी सुना रही हो पूजा को? पूजा, तुम इस वक्त यहाँ? सूरज, ये सिंदूर? तुम्हारी पूजा ने आज अपनी मां का घर छोड़ दिया है। अपनी मांग में तुम्हारे नाम का सिंदूर भरकर तुम्हारी दुल्हन खुद अपनी डोली उठाए आज तुम्हारे द्वार पे आ खड़ी है। मुझे अपनी घर की चौखट लांगने का अधिकार दो सूरज। तुम्हें पूरा अधिकार है पूजा, आओ अंदर आओ। सूरज, तेरी ये मजाक कि तू मेरे सामने इस कुलच्छनी को अंदर आने को कहे, ये इस घर में कभी नहीं आ सकती। ओ, मेरे बेटे पे बहुत डोरे डाल चुकी, अब इस घर में डेरा डालने की कोई जरूरत नहीं, चल जाए यहाँ से। बस करो माँ, बहुत हो चुका। पूजा अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, उसका इस घर पर उतना ही अधिकार है जितना मेरा, वो अब इसी घर में रहेगी। तो इसे मेरी लाश पे से गुजरना होगा। सुना तूने, इस घर के अंदर आने के लिए तुझे मेरी लाश पे से गुजरना होगा। ठीक है सूरज, ये बात है तो मैं चली जाती हूँ। हर सुहागन का नसीब गुलाल से नहीं लिखा जाता। मैं वो अभागन हूँ जिसकी घर की अपनी ही दहलीज उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। मुझे अपनी मांग में किसी का खून नहीं चाहिए। तुझे मेरी भी उम्र लग जाए माँ। पूजा, पूजा। सूरज, कहाँ जा रहा है तू? पूजा के पास। मैं उसे इस तरह जाते हुए नहीं देख सकता। इस तूफान में मैं अपनी मोहब्बत को एक तिनके की तरह उड़ते हुए नहीं देख।